सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बोरेबासी दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। उनका भी एक डे है जो लोग पखाड़ो दिवस के नाम से मनाते हैं, और झारखंड में इसको बोला जाता है पानी भात, गुजरात में भी इसे खाया जाता है तो वहाँ पे इसको बोलते हैं घेश भात, तमिलनाडु में पाजे दू सादम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दिन है 1 मई का, और जैसे कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते ही हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में आज के मजदूर दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को बोरेबासी डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के क्या बोलना चाहिए, इंस्पिरेशन से ये स्टार्ट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी पहल है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मैं दुबई में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी अपने छत्तीसगढ़ से विशेष प्रेम करती हूँ, और छत्तीसगढ़ को मतलब अपनी संस्कृति लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो बोरेबासी क्या होता है और वो कैसे खाया जाता है, कौन सी सारी चीज़ों के साथ खाया जाता है, आइए देखते हैं। ये है मेरा आज का खाना, ये है बोरेबासी। लाइक चावल है, इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें दही है नमक के साथ, अचार, हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया की चटनी। वैसे तो भाजी खाई जाती है इसके साथ, पर मेरे पास भाजी अवेलेबल नहीं थी। मेथी के भाजी के रोल मैंने बनाए थे तो वो मैंने ले लिया है। सलाद में खीरा और प्याज, और ये है बिजोरी। ये तो मतलब छत्तीसगढ़ में स्पेशल बनती ही है ठंड के सीजन्स में। इसको नाश्ते के साथ भी खाया जाता है और खाने के साथ पापड़ की तरह भी खाया जाता है, दही वाली मिर्ची और राइस वाला पापड़। तो ये है मेरा आज का खाना। छत्तीसगढ़ में मेनली चावल की खेती होती है, तो हमारे व्यंजनों में आपको चावल का उपयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता ही है। जैसे मैंने पापड़ भी आज लिया, तो वो चावल का ही पापड़ है, और कई डॉक्टर्स का मैंने सुना कि उनका ये कहना है कि बासी खाने का जो हम बनाते हैं उसका बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। जो बासी होती है बनती कैसे, जैसे आपने चावल रात में बनाया, उसमें रात में ही ठंडा होने के बाद पानी डालकर रख देते हैं, और सुबह इसमें दही डालकर और ये सारी चीज़ें के साथ इसे खाया जाता है। जो लोग खेतों में काम करते हैं गर्मी के दिनों में, वो अपने साथ इसे लेकर खेतों में जाते हैं। और मुझे बचपन का भी याद है, हमारे यहाँ जो स्टाफ हमें हेल्प करने के लिए आया करता था, वो अपने साथ एक वो कड़ी वाला जो डिब्बा होता है ना, उसमें बासी और नीचे एक और उस पर ना एक ढक्कन हुआ करता था, उस पर अचार लेकर आते थे वो लोग। तो मतलब मुझे याद है, मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकती हूँ उस चीज़ से कि हाँ, मैंने लोगों को खाते देखा है और फिर मैं आज भी ये खा रही हूँ। तो डॉक्टर्स बोलते हैं ये बासी, तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है, तो जो लोग खेतों में काम करते हैं इसे खाते हैं तो उन्हें हीट महसूस नहीं होती है, एसिडिटी नहीं होती है, और इसमें वाइटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये मतलब स्टेपल फूड है बोल सकते हैं आप, या सोल फूड है बोल सकते हैं। और गढ़ कलेवा जो छत्तीसगढ़ का मतलब व्यंजनों को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाया गया है, छत्तीसगढ़ की सिटीज़ में ये हैं जहाँ लाइक कैफेटेरिया या फूड स्टॉल टाइप की चीज़ है ये, वहाँ छत्तीसगढ़ी कल्चर से रिलेटेड आपको खाने मिलते हैं। तो अगर आप गढ़ कलेवा गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आप लोग भी मेरे साथ बासी खा लीजिए और इस मजदूर दिवस को बोरे बासी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, आइए। और अगर आप लोगों ने भी अपने अपने घरों पर ये बोरे बासी डे सेलिब्रेट किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को अपने छत्तीसगढ़ी फूड से प्यार है और कौन कौन लाइक सेलिब्रेट करता है इसको। आइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। और बासी खाने का मज़ा हाथ से ही है। अगर आप ये सोचें कि पानी है तो मैं स्पून से खाऊं, तो वो टेस्ट आपको फील नहीं होगा। तो हाथ से खाइए, थोड़ा टफ लगता है शुरू में बट अच्छा लगता है। और बासी और प्याज का कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है। और इतनी सारी चीज़ें हमने रखी हैं तल के, जैसे बिजोरी, दही वाली मिर्ची, तो वो भी बीच बीच में खाते रहिए, टेस्ट मिलता रहेगा।
मेरा लंच हो गया है और खाना खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ना, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बोरे बासी खाने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। हमारे यहाँ जो स्टाफ हेल्प के लिए आता था, उन लोग भी ये खाकर थोड़ी देर लेटते थे और उन लोग तुरंत सो भी जाते थे। मैं सोचा करती थी कि इन लोग को इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है। खैर, शायद थकान की वजह से भी नींद आ जाती होगी। तो बोरेबासी सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं खाई जाती। बोरेबासी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जिन भी इलाकों में खेती में चावल मेन अनाज है जो बोया जाता है, खाया जाता है, उन सारी जगहों पर बासी खाई जाती है। उसके प्रकार अलग अलग हैं। हमसे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो राज्य हैं, जैसे कि ओडिशा और झारखंड, ओडिशा में सबको कहा जाता है पखाड़ो। उनका भी एक डे है जो लोग पखाड़ो दिवस के नाम से मनाते हैं। और झारखंड में इसको बोला जाता है पानी भात। गुजरात में भी इसे खाया जाता है, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं घेश भात। तमिलनाडु में पाझे दू सादम। और आंध्र प्रदेश में सद्दी अन्नम। बंगाल में बोलते हैं पंता भात। और असम में बोलते हैं पोइता भात। और केरला में बोलते हैं पाझम कांजी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कितने सारे स्टेट हैं, लेकिन एक खाने का अलग अलग वेरिएशन दूसरे स्टेट्स में भी अवेलेबल है। मैं प्राउडली ये कहना चाहती हूँ कि आज मैंने बोरेबासी खाई, और मैं हमेशा ही खाती हूँ, बट हमारे देश के और भी लोग इसको विभिन्न तरीके से खाते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे सारे छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।